हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस, और लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था बेंजीन की प्रिपरेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक बेंजीन, ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में जाती है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम एक बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस थ्रू व्हिच द बेंजीन इज गोइंग टू बी। कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बेंजीन के सबसे पहले हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो भी होगा, जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डेफिनेटली देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ बेंजीन अंडरगो कंबस्शन, कि बेंजीन में कंबस्शन कैसे होती है, ठीक है। तो ये चार टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेंजीन के रिएक्शंस जो कि क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली देयर इज समथिंग इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड, देयर इज समथिंग टू बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर आप देखें कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर एक से ज्यादा एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसमें क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग जो होगी, जैसे हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो जो बेंजीन रिंग है उसके किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इस किस्म के रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तो बात ठीक है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक इलेक्ट्रोफाइल जो है किसी भी एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, पर सवाल यह है कि व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या। अब यहां पर जो वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में दो वर्ड है। यहाँ पर जो वर्ड इलेक्ट्रो है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से है, और वर्ड फाइल जो है इसकी लफ्जी माने रहेगी लवर। तो इलेक्ट्रोफाइल की लफ्जी माने क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक, नंबर एक। अब इलेक्ट्रॉन लवर का इनडायरेक्ट मतलब यह है कि एनी स्पीशीज दैट नीड्स इलेक्ट्रॉन, हर वो स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर। दूसरी पॉइंट जो हमने लिखी है वो ये लिखी है कि इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी। और तीसरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के लिए ये है कि ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फाइल्स आर केपेबल ऑफ गिविंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन का वर्ड काटना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये लिखना है कि ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज केपेबल ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखें, बेंजीन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो देने हैं, लेकिन बेंजीन किसी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करती। बेंजीन रिएक्ट करती है तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से। उसकी वजह यह है कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं, और रेजोनेंस के थ्रू उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ द बेंजीन रिंग, कोई ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जो वीकर इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इस रिएक्शन को देने में कैपेबल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बेंजीन विल रिएक्ट ओनली विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर इस रिएक्शन को इन जनरल समझाया जाए, तो फर्ज करें कि ये जैसे हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है, और आप सब जानते हैं कि एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रिंग कंटेन्स वन कार्बन, एंड विथ एवरी कार्बन देयर इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक एटम कौन सा है, हाइड्रोजन का है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ये क्लियरली शो कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के इन छह कार्बन में से किसी भी एक कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और जब रिप्लेस करेगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और यहां से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन लूज हुई।
तो जितने भी रिएक्शंस होंगे उनकी मेन जो आउटलाइन है वो यही रहेगी कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और व्हेन हाइड्रोजन इज लीविंग द बेंजीन रिंग इट विल लीव इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रोटॉन। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसी सूरत में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो बस ये बात याद रखो कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें बेंजीन की रिंग के जो 6 हाइड्रोजन हैं उनमें से किसी भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर सकता है। इवन बेंजीन के 6 के 6 हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, पर वो बात थोड़ा सा आगे जाएगी। पहले हम सीखेंगे कि कैसे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। एक बात ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट इन 3 स्टेप्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो बेंजीन में होने हैं और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब 3 स्टेप में कंप्लीट होंगे। तो मेजर 3 स्टेप्स होते हैं, इन दीज 3 स्टेप द रिएक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। जिसका पहला स्टेप जो है वो ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक, फॉर्मेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। सेकेंड स्टेप जो होगा दैट विल ऑल अबाउट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होते हैं यही इलेक्ट्रोफाइल उसके पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक, आखिर में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आ चुका होगा सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में फिर प्रोटॉन लॉस होगा। दैट मीन्स कि रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में। तो आई होप कि आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं इसकी मेन आउटलाइन क्या है। तो हम चलते हैं आगे एक नई पॉइंट की तरफ जिसमें डिस्कस करेंगे कि बेंजीन किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इन एग्जांपल में हम हैलोजिनेशन भी पढ़ेंगे, हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, हम जो है नाइट्रेशन के साथ सल्फोनेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा बाकी रिएक्शन। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहले एक रिएक्शन को, और इसमें जो भी केमिस्ट्री है पूरे प्रोसेस की उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, हेयर वी हैव द नेक्स्ट वन एंड दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम जो भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसकी केमिस्ट्री को हम एक हैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्ज करें कि यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेंजीन जो किसी भी हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स बॉन्ड एक्स जो कि हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अब ये बेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्यूमिनियम हैलाइड या फिर फेरिक हैलाइड, ये दोनों यहाँ पर ऐड करते हैं एज ए लेविस एसिड। इन दोनों का जो फंक्शन है यहाँ पर क्या है, लेविस एसिड। तो बेंजीन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम हैलाइड या फेरिक हैलाइड, जो कि दोनों लेविस एसिड हैं जो कि काम करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं उनके किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये हैलोजन। तो एक हैलोजन आया बेंजीन के अंदर आप देख सकते हैं, और दूसरा हैलोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बना लेता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया बेंजीन से, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, बेंजीन से, और हमारे जो एंड रिजल्ट है वो है हेलो बेंजीन। अब देखना यह है कि ये जो जनरल रिएक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया हैलोजन से जिसमें कैटलिस्ट हमने यूज किया एल्यूमिनियम हैलाइड, एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रिएक्शन, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने आपसे पहले कहा कि रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इसके जितने भी मैकेनिज्म हैं ये सारे रिएक्शन जो होंगे वो 3 स्टेप में होंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो है, नाउ दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो चलो देखते हैं कि ये हैलोजन से इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है और किस तरह से हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल जो सेकंड स्टेप में जाके अटैक करता है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हैलोजन एक मॉलिक्यूल बनाया है, एक्स रिप्रेजेंट करता है हैलोजन को, आप सब जानते हैं, और आप जानते हैं कि हैलोजन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके आखिरी शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी कोई भी क्लोरीन हो चाहे कोई भी हैलोजन हो, इसके वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 7th इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, यानी दोनों हैलोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट एल्यूमिनियम हैलाइड। अब आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो 1
ये दो और ये तीन, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन आगे जाके हेलोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम और हेलोजन के बीच में तीन कोवेलेंट बॉन्ड हैं। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि एल्यूमिनियम ने तीन हेलोजन के साथ बॉन्ड तो बनाया, लेकिन स्टिल दिस एल्यूमिनियम नीड्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एल्यूमिनियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट है, उसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ बेस एसिड। एल्यूमिनियम जो है यहां पर कैटलिस्ट तो है, लेकिन इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, लुइस एसिड। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। अब ये एल्यूमिनियम हैलाइड जब हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों हेलोजन में से कोई भी एक हेलोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर एल्यूमिनियम के साथ करेगा शेयर। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी इन दोनों में से एक हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर एल्यूमिनियम के साथ क्या करेगा, शेयर। तो जो नया बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम और हेलोजन के बीच में, नाउ दैट बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नतीजे में क्या होगा कि सपोज करेंगे अगर इस हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और उसने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऐसी सूरत में जो बचा हुआ हेलोजन जो है इसके ऊपर चार्ज कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो फिर आप देख सकते हैं कि एक हेलोजन के ऊपर जो चार्ज आई है वो कौन सी आई है, पॉजिटिव। यही वो पॉजिटिव हेलोजन जो है इसको हम जनरली कहते हैं हेलोनियम आयन। इसको हम क्या कह रहे हैं, हेलोनियम आयन। फर्ज करो कि अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, क्लोरीन हो तो क्लोरोनियम आयन, आयोडीन से आयोडोनियम आयन। तो तरीकेकार यही रहेगा और यही वो इलेक्ट्रोफाइल है जो सेकेंड स्टेप में बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। पर आप ये भी जानते हैं कि ये जो हेलोजन एल्यूमिनियम के साथ जब बॉन्ड बनाया तो अब आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम पहले तीन हेलोजन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड था, अब फोर्थ हेलोजन आ गया और ये वाला वो हेलोजन है जो कि न्यू हेलोजन आया है एल्यूमिनियम के साथ डेट बॉन्ड बनाने। इसमें एल्यूमिनियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इस वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आई है वो कौन सी आई है, नेगेटिव। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हेलोजन के साथ जब फोर्थ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसके पर चार्ज कौन सी आती है, नेगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप जो है इसमें क्या होगा कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया है हेलोनियम आयन, मे बी दिस इज क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम और इवन आयोडोनियम, ये जो हेलोनियम आयन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा तो ये याद रखें कि बेंजीन के सारे कार्बन जो होते हैं, बेंजीन के सारे कार्बन जो होते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये माइग्रेट होगा किसी भी एक कार्बन पे। चलो भाई फर्ज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये माइग्रेट होता है इस कार्बन पे, तो ये पॉजिटिव जो हेलोजन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके इसके साथ खुद बॉन्ड बना लेगा। तो ऊपर वाला कार्बन जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कौन सी चार्ज आई, पॉजिटिव। तो हेलोजन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ खुद ने बॉन्ड बना लिया और ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर आई पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि हेलोजन उसके बराबर वाले कार्बन के साथ क्या कर लिया, खुद बॉन्ड बना लिया। तो हेलोजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर किसी भी एक कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और जिस कार्बन पे बॉन्ड बनाया हमेशा उसके नेबरिंग कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। इस तरह से जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी है इसमें वो कार्बन जिस पे इलेक्ट्रोफाइल आया है, ये वो कार्बन है जिस पे इलेक्ट्रोफाइल आया है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 से कन्वर्ट हो जाती है क्या, sp3। टेंपरेरली उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, बेंजीन एरोमेटिक थी जबकि ये कंपाउंड जो है, ये जो आयन बना है ना कंपाउंड, ये जो आयन बना है ये अब एरोमेटिक नेचर का नहीं है। इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अभी जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसका दूसरा नाम है एरिनियम आयन। इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्योंकि अनस्टेबल है, अब ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है। इसमें इस कार्बन को देखो कि वो 1, 2, 3 और 4 अलग अलग एटम के साथ बांध बनाए हुए है और आप सबने पढ़ा है कि जब कार्बन चार अलग अलग एटम के साथ बांध बनाएगा तो फिर वो कार्बन जो है वो सिंगल बांध बनाएगा और ऐसी सूरत में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और फिर वो कार्बन जो है जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा, नाउ दैट कार्बन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ बेंजीन। तो फिर इस वजह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीन नहीं है। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। वो कैसे, मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो मैंने यहां पर शो की है, अभी जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कंपनसेट करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है,
तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, जब इस कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दी। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, तो इस तरह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए आया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जो एक दूसरे में कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें एटम अपनी पोजीशन पे हैं, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं किए हुए, लेकिन पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड जो है, इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि वो क्या हैं, चेंज हैं। तो सच स्ट्रक्चर्स फॉर द सेम मॉलिक्यूल व्हिच आर डिफर ओनली बाय द पोजीशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉट बाय द पोजीशन ऑफ एटम्स, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एरिनियम आयन होता है, ये रेजोनेंस में जाता है ताकि वो अपने आप को क्या करे, स्टेबलाइज करे। पर इसकी स्टेबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक यहां से प्रोटॉन लॉस ना हो, तभी हम बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की। और बेंजीन में जो एरिनियम आयन बना है, ये थर्ड स्टेप में प्रोटॉन लॉस करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो चलो देखते हैं कि यह प्रोटॉन कैसे लॉस होता है और सारी आगे की कहानी। तो स्टेप नंबर थ्री इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय एरिनियम आयन। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम एरिनियम आयन मैंने दोबारा बनाया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो एल्युमिनियम हैलाइड था, ये जो एल्युमिनियम हैलाइड था जो AlX3 था, और फोर्थ हैलोजन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई थी। अब क्या होगा कि यहां से प्रोटॉन जाएगा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस हैलोजन से, ये हैलोजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को देगा इलेक्ट्रॉन, यानी जो डेटिव बॉन्ड बना था एल्युमिनियम और हैलोजन के बीच में ये ब्रेक होगा, और ये x इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस अपने इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा इस कार्बन को, और इस तरह से इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरह से डबल बॉन्ड वापस आ गया, कार्बन जो sp3 हुआ था वापस sp2 हो गया, और इस तरह से बेंजीन रिकवर हुई, बेंजीन स्टेबलाइज हुई। सिग्मा कॉम्प्लेक्स चूंकि मैंने आपको कहा था कि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन ये जो हेलो बेंजीन बना है फाइनल में, इस पे बेंजीन की रिंग वापस रिकवर हो गई, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी जो है वो रीगेन हुई, एरोमेटिसिटी रीगेन हुई। फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि X ने हाइड्रोजन के साथ बांध बना लिया और वो बन गया HX, ठीक है, और AlX3 जो था एज अ कैटलिस्ट वो भी रिकवर हो गया। इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलोबेंजीन। तो दैट्स द वे हाउ रिएक्शन इज कैरीड आउट, ये है मैकेनिज्म के रिएक्शन किस तरह से होता है। तो याद रखें कि इस पूरे रिएक्शन में जहां जहां मैंने X लिखा है, आप इस X को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एनी हैलोजन। आपको क्लोरीनेशन पढ़नी है तो जहां X लिखा है वहां क्लोरीन, ब्रोमिनेशन पढ़नी है तो ब्रोमीन, आयोडीनेशन पढ़नी है तो आयोडीन। ये अलग बात है कि हर हैलोजन के साथ बेंजीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी। फ्लोरीन के साथ सबसे रैपिड और फास्ट रिएक्शन होते हैं, बाकी रिएक्शन कंपेरेटिवली स्लोअर होते हैं। तो आई होप कि आज की आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।